नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यूके को हमने पछाड़ दिया है, लेकिन जो रियलिटी है वो कहीं और एग्जिस्ट करती है, उसे हमको समझना होगा। उदय कोटक जी ने एक ट्वीट किया और वहाँ पर हमको समझाया भी है। याद रखिएगा, इंडिया बन गया है पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी पूरी दुनिया की, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसको हमें प्लस प्लस लेना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए फेवरेबल नहीं है या जिस चीज़ को हमें ज़्यादा सीरियसली देखना चाहिए, वो है पर कैपिटा जीडीपी। $2,500 के मुकाबले $47,000 है यूके की। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये जो है यूके की पॉपुलेशन से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पर आएगा $47,000 प्रति व्यक्ति और भारत में $2,500। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। बहुत आसान भाषा में अगर आप इसको समझना चाहो तो एक फैमिली है जहाँ पर चार लोग हैं, 1,00,000 की इनकम है, 25,000 पर कैपिटा इनकम हुई वहाँ पर। और ऐसे ही अगर उसी फैमिली में 8 लोग हैं तो जो इनकम है वो 12,500 हो जाएगी, समझ गए? और यहाँ पर इससे भी भयंकर वाला गैप है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो रियलिटी है वो कहीं और है। लेकिन हम सबको इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव वे में परोसा जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन रियलिटी कुछ और है, उसे हमें ध्यान देकर के समझना होगा। अब हम अपनी रियलिटी पे आते हैं। हम लोग कभी कभी होता है ना कि हम सब मोटिवेशन वाली वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि हम झंडे गाड़ देंगे, हम ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। लेट से कि कोई एक एग्ज़ाम है, हमें उसे क्रैक करना है और हम उसके बारे में मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, कैसे मोटिवेट होते हैं। ढेर सारे मोटिवेटर्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, ठीक है, हम उनकी वीडियोज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन रियालिटी क्या है? हम उनकी वीडियोज़ को एसी वाले कमरे में बंद करके, चद्दर ओढ़ करके, लेट करके देख रहे होते हैं। ये कहाँ का मोटिवेशन है? कम से कम स्टडी टेबल पर बैठे हो, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, और लेट से कि आपको कोई प्रमोशन लेना है, आप जॉब कर रहे हो, तो आप जो प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, उनको जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप काम चोरी कर रहे हो, चापलूसी करना सीख रहे हो, ठीक है। और काम चोरी अलग अलग लेवल की होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो काम टास्क दिया गया वही आप नहीं कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, सिर्फ 8 घंटे के लिए आप नहीं बने हो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जॉब कर रहे हो, अगर ठीक ठाक लगती है तो करते रहो, लेकिन अगर ज़रा सी भी वहाँ पर आपको गड़बड़ी दिख रही है तो साइड हसल के बारे में कोशिश करो, और जो आप दूसरा कोई काम चूज़ करोगे ना, उसे पसंदीदा चूज़ करो, और वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली 4, 5, 6, 7, 8 घंटे निकाल ही लोगे और फिर आप आगे। चलिए, अब आपको एक ऐसा डेटा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं अवेलेबल है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ डेटा मैंने देखा है। ये अनऑफिशियल डेटा है, इसको आप ऑफिशियल मत मान लीजिएगा, कि मोर देन 95% अकाउंट्स में less than 1,00,000 रुपीज़ हैं। और हम आप सबको इतना भयंकर तरीके से, मतलब वो होता है ना कि एक शब्द यूज होता था कि हम सब उसी में जीते रहते हैं, साइकोलॉजी में ये शब्द काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और होता क्या है कि जब हम किसी एक से अपनी तुलना करते हैं तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, यार हम कितने पिछड़े हैं, हम कितने पीछे हैं, हम उसके बराबर कैसे पहुंचेंगे। जबकि रियलिटी में 95% लोगों का अकाउंट, मैं शायद ये बहुत बड़ा नंबर मैं बोल रहा हूँ, शायद ये 50,000 भी नहीं होगा, ठीक है। कहीं तो मैंने ये भी सुना था कि 90% अकाउंट ऐसे हैं जहाँ पर 10,000 रुपये भी नहीं हैं, ठीक। तो ये डीमैट अकाउंट्स की बात हो रही है, मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि ये डेटा कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा सटीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, कि 95% अकाउंट्स में 1,00,000 रुपए से कम ही पैसा होता है। मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आपके पास ना आए, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रियल डेटा पर फोकस करना है। क्योंकि जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी, मतलब हमको डिमोटिवेट कर देता है, और मैं हाइपर पॉजिटिविटी के तो खिलाफ़ हूँ, लेकिन डिमोटिवेशन के भी खिलाफ़ हूँ। मैं आपको एक्चुअली डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं आपको हाइपर पॉजिटिविटी से हमेशा बचाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, सर आप हमेशा डिमोटिवेट करके चले जाते हो हम सबको, और ये कुछ लोग अच्छा भी नहीं मानते हैं कि यार डिमोटिवेट क्यों कर देते हो, कम से कम पॉजिटिव बातें किया करो। बहुत सारे लोग हैं पॉजिटिव बातें करने वाले, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको रियल डेटा देखना है। रियल डेटा यही है, और मैं इसको कोई ऑफिशियल डेटा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद अपने आसपास ज़रा देखो कितने लोग हैं जो पैसे लगा रहे हैं। और खुद आपको पता है, अगर 95% लोगों के पास, 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है, ये डेटा तो आपके सामने बिल्कुल साफ साफ अवेलेबल है ना, ठीक है। आपको ये भी पता है कि 90% लोग इंडिया में less than 25,000 पर मंथ
की अर्निंग करते हैं, ये भी डेटा हमारे पास है। उसी डेटा से आप ये भी डिकोड कर सकते हो, कितना ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इसी के आसपास डेटा होगा वो। और उसी से आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि पैसे से बड़ा टर्म सेटिस्फैक्शन होता है। और अगर आप दूसरों को ऐसे ही देखते रहोगे, दूसरों के डेटा को देख के गुमराह होते रहोगे, तो आपको गुमराह करने वाले बहुत हैं, आपके अंदर भर दिया जाएगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और आप सब ही परेशान रहोगे। तो थोड़ा सा इससे बचो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इनसे 100% ऊपर उठ चुका हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश कैसे होती है, थोड़ा सा आपको, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अध्यात्म की तरफ जाओ, लेकिन आप खुद फील करोगे कि जब आप इन सब चीज़ों को अंदर जा कर के देखने लगोगे, और अंदर जाओ और अंदर जाओ और अंदर जाओ, मैं क्यों कमाऊँ पैसे, इतना पैसा क्या होगा, जो लोग कमा लिए वो क्या सुखी हैं, वो कितने सुखी हैं, उनका रियलिटी चेक करो, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि पैसे की अहमियत सेकेंडरी है। सबसे पहली अहमियत तो हेल्थ की होती है, और मैं तो कहूँगा पैसे से भी पहले की अहमियत रिलेशनशिप्स की होती है, लेकिन कुछ लोग पैसे को थोड़ा सा पहले रखते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसमें कुछ बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, डू द रियलिटी चेक। एक डेटा लगभग ऑफिशियल है कि 90% लोग लेस देन 25,000 पर मंथ अर्निंग करते हैं। बाकी कोई डेटा मैंने ऑफिशियल नहीं शेयर किया, इसको कहीं पर अभी आप डायरेक्टली रेफरेंस मत दे दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि रियल डेटा जो कि बहुत दूर होता है, जो हमको सामने दिखता है, उस पर फोकस किया कीजिए। जरूरी नहीं वो डेटा एकदम एग्जैक्टली नंबर्स के टर्म्स में हमारे सामने अवेलेबल हो, लेकिन हम रियल लाइफ में उसको फील कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।